तो अपन बेसिकली ये सारे रिलेशन अपन पढ़ चुके हैं, अपन किसी भी रिलेशन पे जा सकते हैं और सवाल कोई भी कर सकते हैं, पर हमारी नॉर्मल लाइफ में जनरल चर्चा होती है बहुत आसान होती है, उसके लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एक्सप्रेशन बराबर कांस्टेंट। इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इट्स अ एक्सप्रेशन बराबर कांस्टेंट की एक अपनी फॉर्मेट है जिसे अपन मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धीरे से उस पर भी आ जाएंगे, पर एक्सप्रेशन बराबर कांस्टेंट, पर हम तो एक्सप्रेशन एक्स का फंक्शन, टाइम का फंक्शन, किसी का भी फंक्शन हो, क्या हम सारा सॉल्व करना जानते हैं? एक्सप्रेशन कांस्टेंट तो सलाम हाथ का मैल है, इसलिए जल्दी नहीं समझते, परेशान होने की कोई जरूरत, पर ये स्टैंडर्ड केसेस होते हैं इसलिए अपने को आने चाहिए। आपने 11वीं पढ़ी होगी तो आपको यही काइनेमेटिक्स लगी होगी, पर ये बहुत छोटा सा हिस्सा है वास्तविकता में। एक्सप्रेशन बराबर कांस्टेंट, मान लो एक्सप्रेशन बराबर अपना कांस्टेंट, एक्सप्रेशन बराबर क्या लिखा जाता है? डीवी बाई डीटी, सब लोग जानते हैं, अपन ध्यान देंगे तो डीवी वेक्टर इक्वल्स टू ए डी टी, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, इंटीग्रेशन इधर से इधर, ये अपना यू, ये अपना वी, यू इज द इनिशियल स्पीड, वी इज द फाइनल स्पीड, तो वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर, वी वेक्टर माइनस इक्वल्स टू ए वेक्टर, क्योंकि कांस्टेंट है ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर, एक कोई अंदर घुसा है आपके पास में आके बैठा है, हाँ भाई साहब 50 रुपए दे दे, 20 रुपए तो लेट आने के और 30 रुपए स्मार्टनेस दिखाने के, अब मरा तू बेटा, देखो पता नहीं है मेरी तीसरी आंख है, दे 50, हाँ तो आ जाइए, हे भगवान 50 रुपए ही कमाई हुई। बी वेक्टर माइनस यू वेक्टर, अगर ए वेक्टर बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, बाहर क्यों आया? अगर वो कांस्टेंट नहीं होता तो बाहर, सिंपल सी बात, तो ए वेक्टर इनटू टी, तो वी बराबर यू प्लस एटी सिर्फ तब लगती है जब एक्सेलरेशन, हाँ बच्चे कहीं पे भी लगा देता है, बच्चा कहीं पे भी नहीं लगती है, सिर्फ यही काइनेमेटिक्स नहीं है, नॉर्मल प्रोसीजर है ये, तो बेसिक सी बात है। v बराबर u प्लस at, क्या v को लिख सकते हैं du by dt, सॉरी dx by dt, यानी कि dr वेक्टर by dt, dr वेक्टर by dt लिखोगे तो लिखोगे u dt प्लस at, बोलो यस और नो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, dr वेक्टर इज r फाइनल माइनस r इनिशियल, जिसे क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोला जा सकता है, ये r फाइनल माइनस r इनिशियल जो होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, शाबाश, s वेक्टर बराबर ut, u वेक्टर t प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर t स्क्वायर, अरे हाँ ना बोल, ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से जानते हो, ये भी तब लगती है s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ t स्क्वायर, इसमें s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, या फिर उसे लिख सकते हैं r फाइनल माइनस r फाइनल इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, r इनिशियल इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्या मैं रफ्तार में बोल सकता हूं? yes, और बोलूंगा सब कुछ छोड़ूंगा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत है, इन दोनों इक्वेशन से t एलिमिनेट कर दो, इन दोनों इक्वेशन से यहां से t के लिए निकालो, वहां पे डाल दो कि अपने को अच्छे से रिलेशन आता हुआ नजर आएगा, फालतू पेपर नहीं करते, ध्यान से देखो निकल के आएगा v मॉड का होल स्क्वायर माइनस u मॉड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a डॉट s, अरे हां ना बोल, टू ए डॉट, जैसे आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as के नाम से जानते हो, क्या वो रियल इक्वेशन ये है? मुझे लगा तुम्हें आया, ये तीन इक्वेशन मेजर होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, v बराबर u प्लस at, जो आप ऐसे रखते हो कोई बुराई नहीं, उसी वेक्टर फॉर्म मैंने आपको लिखाई है और कोई खास बात नहीं है, और अपनी s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, इसमें s जो है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। दो तीन बातें इन तीनों फॉर्मुलों के लिए याद रखने वाली बात की है, तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन s डिस्प्लेसमेंट है। s क्या है? क्या मेरी बात क्लियर है? मान लो आपको ऐसा सवाल दिया जाए, पार्टिकल हैज ए इनिशियल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड एंड हैज एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड आउट द स्पीड आफ्टर 5 सेकंड, क्या बता सकते हो? ऐसे सवाल नहीं करा रहा हूं मैं, ऐसे सवाल नहीं करा रहा हूं मैं, पहले बता दूं आपको, एक पार्टिकल है उसने ब्रेक लगाया, एक कार है उसने ब्रेक लगाया, क्या लगाया? ऐसे सवाल नहीं करा, सुन लो बस ओरली, और हमें सोच लो क्या हमें आते हैं। Yes, एक कार चल रही थी वैसे 60 किलोमीटर प्रति आवर से, उसने ब्रेक लगाया और 60 मीटर पे रुक गई, बताओ क्या डीएक्सीलरेशन था, क्या बता सकते हो? कौन सी इक्वेशन लगाओगे? एक कार चल रही थी 60 किलोमीटर प्रति आवर से 100 मीटर पे रुक गई, बताओ क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, कितनी दूरी पे रुकी तो आ गया, क्या फाइनल स्पीड 0 हो गई, क्या u पता है? ये निकल आएगा कोई बुराई वाली बात? सोच लो, एक स्कूटर चल रहा था भाई साहब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्टार्ट हुआ, बताओ 10 सेकंड बाद उसकी क्या रफ्तार होगी, बताओ 10 सेकंड में कितना चल चुका होगा, बोलो क्लियर है? कोई ब्रेक वाली बात? सिंपल सिंपल इक्वेशन है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले, कोई दिक्कत वाली बात? सवाल थोड़ा अच्छा हो जाता है तो भाई साहब, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है तो भाई साहब रिएक्शन टाइम वाला सवाल आ जाता है। रिएक्शन टाइम क्या होता है हम सब लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप जा रहे हो, मान लो आप जा रहे हो और आपको रोड पे एकदम से बीच में कहीं पे सुंदर कन्या दिख जाए तो क्या आप बेसुध हो जाते हो? यस सर, ये मानो सुंदर कन्या दिख गया बिल्कुल गाड़ी के सामने आपको दे, तो आपको लगेगा अरे सुंदर कन्या मर जाएगी तो मेरे लिए कम हो जाएगी, तो क्या मुझे ब्रेक लगाने चाहिए? yes, यार हाँ ना बोल, yes, सुंदर कन्या से लेकर ब्रेक लगाने तक के प्रोसेस को रिएक्शन टाइम कहते हैं। yes, ये किसी का फास्ट हो सकता है, किसी का स्लो हो सकता है, पर जितना स्लो जिसका होगा क्या उतना खतरा उस आदमी को होगा? yes, इसलिए रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए। सुंदर कन्या देखी, सोचा ब्रेक, दिमाग ने कहा सुंदर कन्या, फिर लगा रहे मर जाएगी, फिर सोचा एक कम हो जाएगी,
फिर सोचा मुझे ब्रेक लगाने चाहिए। ब्रेक लगाने चाहिए और तूने ब्रेक लगाए, इस प्रोसेस में क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिएक्शन। जब तक आप रिएक्शन टाइम नहीं हुआ, जब तक आपने ब्रेक नहीं लगाए, तब तक तो आपकी कार वास्तविकता में क्या उसी रफ्तार से चलती रही जिससे क्या पहले चल रही थी। ऐसे सवाल आते हैं कि सुंदर कन्या, सवाल ऐसे आते हैं कुछ भी, मान लो आपकी कार है, सुंदर कन्या खड़ी है, ये 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 ये, ये। क्या मैं तेज बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? मान लो आपकी कार की रफ्तार कुछ भी ले लो, मान लो 20 मीटर पर सेकंड थी, कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ से सुंदर कन्या दिखाई दी आपको, सुंदर कन्या एकदम से आ गई ऐसा समझो, सुंदर कन्या आ गई मान लो 200 मीटर पे, कितने पे आ गई 200 मीटर, या 100 मीटर पे, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, 100 मीटर पे, और बोला गया जो आदमी कार ड्राइवर चला रहा है उसका रिएक्शन टाइम है सपोज 0.5 सेकंड, कितना है 0.5 सेकंड उसका रिएक्शन टाइम है, कितना है 0.5 सेकंड, और कार का जो मैक्सिमम डीएक्सीलरेशन पीछे की तरफ हो सकता है, एमएक्स जो ब्रेक लगा सकता है, वो लो मान लो है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या? ये कार की क्षमता है, ये कार ड्राइवर की क्षमता है और ये दूरी है, क्या लड़की बच पाएगी आपको ऐसे यस सर, क्या मतलब कोई जादू है क्या, क्या लड़की बच पाएगी, अगर नहीं बच पाएगी तो कब निपटेगी, और अगर बच जाएगी तो कितनी दूरी से बचेगी? यार हाँ ना बोल, सिंपल सा सवाल है, करके बता दे, उतार ले फटाक से, रफ्तार तेज, पहले उतारो फिर करना, जल्दी से कर दो, रिएक्शन टाइम कितना है? तुम तो ठहरे है प्यार सजना वावा, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। इतनी देर क्यों लगाई तुमने सवाल में, पहले तो रिएक्शन टाइम, जब तक इसने ब्रेक नहीं लगाए तब तक ये कितनी रफ्तार से चलती रही, 20 मीटर पर सेकंड में लग गया, 0.5 सेकंड में 10 मीटर चल गई, अब क्या दूरी बच गई 90। अब देखते हैं कितनी देर में रुक जाएगी, रुकने की दूरी यानी कि फाइनल रफ्तार हो गई 0 माइनस v स्क्वायर यानी कि 20 का होल स्क्वायर बराबर 2 × -5 × s, बोल यस और नो, या x जो आपको मानना हो, ध्यान से देखो तो 400/10, क्या दूरी आई 40 मीटर, कितनी 40। अगर ये पूरी जोर से ब्रेक लगाए तो क्या 40 मीटर में रुक जाएगा? अरे पर मेरे पास दूरी कितनी अवेलेबल है 90, मतलब मैं 40 मीटर पर अगर रुक गया तो इससे 50 मीटर दूरी पे ही रुक गया। अरे हाँ ना बोल, पर अगर सुंदर कन्या वास्तविकता में देखो तो 40 + 10 50 मीटर से पास में होती तो क्या उड़ जाती? नहीं आया? आया कि नहीं आया? 10 मीटर क्या 10 मीटर हाँ तो करा ना 10 + 40 तभी तो 50 बोला। मतलब क्या 0.5 सेकंड वाला 10 मीटर क्या यहां वो तो एक्सेलरेशन नहीं तो है, कहां एक्सेलरेशन है? कार तो कांस्टेंटली चल रही है बेटा, ब्रेक लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो ब्रेक लगाएंगे तो हमारी मैक्सिमम क्षमता -5 है, कितनी है? एक मिनट, तुम्हें सवाल समझ नहीं आया क्या? अरे हो गया क्या बेटा? बोलना पड़ेगा मुझे, पता नहीं पड़ेगा, नेसेसरी धीरे होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ रिस्पॉन्स करा करो, रफ्तार और इलस्ट्रेशन डिसाइड हो जाते हैं तुम्हारे रिस्पॉन्स से, है ना, कमी नहीं मेरे पास, डोंट वरी अबाउट इट। क्या पिक्चर क्लियर है? कितने लोगों ने सही सोचा था? चलो इसी के हिसाब से एक सवाल कराते, ठीक ठाक से आ जाओ, बहुत टफ भी नहीं बहुत आसान भी नहीं। सवाल लिखो, अ कार या जो भी लिखना लिख लो, अ पार्टिकल क्रॉसेस पॉइंट ए विद स्पीड v1, अ पार्टिकल क्रॉसेस पॉइंट ए विद स्पीड v1 एंड अनदर पॉइंट बी विद स्पीड v2। ब्रैकेट में लिख लो, अज्यूम पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अज्यूम पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब उसका एक्सेलरेशन कैसा है? कॉन्स्टेंट है ना। फाइंड आउट द स्पीड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड आउट द स्पीड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आइए फाइंड आउट द स्पीड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
चलो इधर देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, मान लो कि दूरी डी, मान लो कि एक्सेलरेशन ए, मान लो क्या ये गिवन है कि ये वी वन रफ्तार है और ये सेंटर पॉइंट को सी मान लो, यहां का वी निकालना है। ध्यान से देखो तो क्या वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू टू ए डी, यार तुम्हें नहीं आया, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बराबर, अगर मुझे सेंटर पॉइंट पे वी निकालना है तो वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू टू ए डी बाई टू, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट आंसर, ये और डी कट जाएगा। अरे भाई साहब तुम्हें आया ही नहीं, सिंपल सॉल्यूशन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत है। देख पहले तो समझ आया पहली इक्वेशन, क्या दूसरी इक्वेशन समझ आई? दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दे, क्या एडी एडी कट जाएगा, एडी एडी करते आंसर आ गया। देख क्या आया, देख वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू टू टाइम्स वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, बोलिए सो नो, बस तो वी की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू। तुम्हें दूर दूर तक समय, अरे पक्की बात, अगर अच्छा इस दौरान अगर मैं पहले तो ये सबको आया, इस दौरान अगर मैं एवरेज स्पीड पूछता ए बी के बीच में तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड बिटवीन ए बी, एवरेज स्पीड एम, पहले तो ये चमका, ये सवाल सबको क्लियर है। अब मैं ऐसे एक और चीज एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं, बोलो एवरेज स्पीड बिटवीन ए बी, एवरेज स्पीड बिटवीन वी वन एंड वी टू, सॉरी एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड बी, ए वन ए नहीं गिवन होगा भाई, वी वन वी टू गिवन है, बस निकालो खुद निकालो, एवरेज स्पीड पूछ रहा हूँ, यह नहीं आएगा, आना तो चाहिए। क्या एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू ए, अरे नहीं आया, ये आ गया अपना डी, और टाइम क्या है वी टू इक्वल्स टू वी वन प्लस ए इंटू टी, तो टाइम की वैल्यू है वी टू माइनस वी वन बाई ए, तो यहां पे रख दो वी टू माइनस वी वन बाई ए, ए ने ए को मेरे हिसाब से तो वी वन प्लस वी टू बाई टू आया, अरे तुम्हें आया ही नहीं यार, कितना आया वी वन प्लस वी टू बाई टू, याद रखे रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कॉमन सेंस है, अरे तुम्हें नहीं आया, तुम्हें समझ में आया मैंने क्या करा, कोई बुराई वाली बात लो, हालांकि सवाल वो था है ना, ये ठीक है। और देख कौन से एक्सरसाइज में ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं करोगे तुम, हालांकि इसमें बहुत सवाल बनाए जाते हैं, ज्यादातर इन्हीं में बनाए जाते हैं। आइए ये जो सवाल है ना ऐसे भी पूछा जाता है, कैसे मैं तुम्हें बताता हूं, इसका एक और तरीका है पूछने का सवाल का, ऐसे बोलते हैं कि एक पोल को एक ट्रेन ने, जिसकी एक ट्रेन ने, ध्यान समझना, एक ट्रेन जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, एक पोल को उसका फ्रंट एंड V1 से क्रॉस करता है और लास्ट एंड V2 से क्रॉस करता है, तो बताओ उसका मिडिल पॉइंट कितने से क्रॉस करेगा, ध्यान से देख तो यही सवाल है। अरे हाँ ना बोल, इस सवाल को पूछने के कई अलग अलग तरीके जो मैं आपसे पूछा, नहीं आया, क्या ये वही सवाल है कि अगर एक ट्रेन है कोई भी लेंथ की, उसका अगर फ्रंट एंड उस पोल को V1 से क्रॉस करता है और लास्ट एंड, तो बताओ उसका मिडिल एंड कितने से करेगा, क्या पिक्चर क्लियर है, वही सवाल है, नहीं आया है ना। और कई तरह हो सकते हैं, छोटे छोटे एक आध और कर लेते हैं, आइए देखिए। मान लीजिए मैं आपसे सिंपली पूछूं कि आपका पार्टिकल है जिसकी रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड है, कितनी है 5 मीटर पर सेकंड उसकी रफ्तार है, एक्सेलरेशन उसका पीछे की तरफ है माइनस 2 मीटर, मतलब पीछे की तरफ बना दिया तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात, बोलो क्लियर है। आपसे पूछा गया फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड्स, बढ़िया
जीरो बराबर यू प्लस एटी फाइव माइनस टू पॉइंट टू इंटू टी, ध्यान से देखो तो क्या ढाई सेकंड पर अपन पलटी मारेंगे, कहां मारेंगे तो ढाई सेकंड पे अपन कहां पे होंगे पहले वो निकाल लेते हैं, ढाई सेकंड पर अपन पलटी मारेंगे, ध्यान से देखो ऐसे 2.5 सेकंड, पहले देख लेते हैं ढाई सेकंड पे कहां पे होगा, ढाई सेकंड पे अपन होंगे 5 इंटू 2.5 इंटू माइनस हाफ ऑफ 2 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर, बोलिए सर नो, 2 ने 2 को मान लिया 2.5 कॉमन आ गया, 5 माइनस 2.5 इज 2.5 यानी कि 6.25, बोल यस और नो, मतलब 2.5 सेकंड पे मैं 6.25 मीटर पर था और 3 सेकंड पे मैं 6 मीटर पर हूँ, मतलब ये दूरी है 6.25 और ये दूरी है 0.25, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, मतलब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपन पहले 6.25 गए फिर 0.5 वापस आए, क्या कुल मिला के अपन 6.5 चले, कितना चले, अरे क्या पुरानी वाली फॉर्मेट ही है, अब कॉन्सेंट एक्सलेशन से पूछ लिए, डरने की कोई जरूरत, कंसेप्ट अभी भी वही है कि एवरेज स्पीड या डिस्टेंस पूछा जाए तो अपने कान खड़े हो जाने, और अगर 1D मोशन है तो हमें उस पॉइंट की खोज में निकल जाना चाहिए जहां पे रफ्तार जीरो, क्योंकि जहां पे रफ्तार जीरो होगी क्या वहीं पे हम पलटी मारेंगे, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे ध्यान से देख तो यही मोशन अंडर ग्रेविटी भी होगा, क्या उस एक्सेलरेशन 2 की जगह 10 हो जाएगा और डायग्राम हॉरिजॉन्टल की जगह, अरे हाँ ना बोल, इसे डरने की जरूरत, नॉर्मल बच्चा इन सवालों को और मोशन अंडर ग्रेविटी को ही काइनेमेटिक्स मानता है, जबकि काइनेमेटिक्स वो है जो अपन ने अभी पढ़ी है, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जे एडवांस तो इतने लल्लू आने वाले, ये लल्लू नहीं है, ये ठीक सवाल है, अरे यार थोड़ा तो क्लासिक पूछेगा ना, या वो कहीं और भी अटैच करेगा तो थोड़ी तो अच्छी बात होगी, इसमें कोई शक वाली बात, मान लीजिए अपने से बात करी जाए, आपने पढ़ा होगा एस एन एच, सुना है क्या, डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड, उतार लिया वो, आइए एस एन एच क्या चीज, एस एन एच सुना हुआ होगा, एक बार और ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखो, मान लो एक पार्टिकल इनिशियल रफ्तार यू एक्सेलरेशन ए से स्टार्ट हुआ, बोलो क्लियर है, मान लो हमसे पूछा जाए कि इसके फिफ्थ सेकंड में या nth सेकंड में किसमें कितनी इसने डिस्प्लेसमेंट लाया, कितना है डिस्प्लेसमेंट या कितने वो चला, जो भी अपन पूछना चाह रहे हैं, तो बेसिकली इसका मतलब है कि जैसे मैंने बोला थर्ड सेकंड, तो मतलब उसने वो कितना चला 2 से 3 सेकंड में या 3 से 4 सेकंड में, क्योंकि पहला सेकंड कहलाता है 0 से 1, क्या कहलाता है, नहीं आया, बोलो क्लियर, तो मैं बोलूं nth सेकंड में कितना चला, मतलब डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट इन nth n माइनस 1 टू nth सेकंड, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, यहां से यहां तक की दूरी है u प्लस हाफ ऑफ u, सॉरी यहां से तक की दूरी है u n माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी है un प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर, क्या मेरी बात क्लियर है, और इन दोनों दूरी का डिफरेंस ही क्या snth कहलाएगा, तो snth क्या इन दोनों का माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओ, यार तो मैं आया ही नहीं यार, या दिस इज इतना क्या हम चले n माइनस 1 से nth सेकंड के बीच में, बहुत बढ़िया साहब, तो snth लिखा गया दिस माइनस दिस, जब दिस माइनस दिस करोगे तो un un कट जाएगा, अरे हाँ ना बोल, क्या बचेगा u, u प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस n माइनस 1 इज टू n माइनस 1, अरे हाँ ना बोल, और दूसरी वाली चीज क्या कटके 1 हो गई, कटके तो फॉर्मूला निकल के आया u प्लस हाफ ऑफ a 2n माइनस 1, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अब ध्यान सुनिए फॉर्मूला क्या आप लोगों ने सुना था, थोड़ी बातें और इसमें अच्छी कर लेते हैं, ये nth क्या देता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों, मेरा पहला सवाल क्या देता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या देता है, कि डिस्टेंस कि दोनों देता है, क्या देता है ये, क्या देता है ये, क्या देता है ये, डिस्प्लेसमेंट देता है ये, डिस्टेंस, सवाल इसलिए सोच समझ के पहले लिया गया है,
सीक्वेंस में पढ़ाते, ध्यान सुन अच्छे से। इसमें एस एन एच निकाल थर्ड सेकंड में, कौन से सेकंड में? वही फॉर्मूला लगा के, पांच प्लस हाफ ऑफ माइनस टू, थर्ड सेकंड का मतलब टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव। बोलो सही है क्या? टू ने टू को कितना आया? जीरो, क्योंकि आप दो सेकंड पर यहां पर थे और तीन पे यहां पर हो, ढाई पे यहां पर हो। अरे यार, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो, जबकि डिस्टेंस था 0.5। तुझे दूर दूर तक मेरी बात समझ? सिद्ध कर रहा है कि वो फॉर्मूला क्या देता है, क्या देता है? अरे नहीं आया? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट उस फॉर्मूले का कि वह क्या देता है, अरे क्या देता है? इट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला सबको याद होता है, पर इंपॉर्टेंट बात भी याद होनी, ये डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? अच्छा, इसकी यूनिट क्या है एसएनएथ की? मीटर। यू की? ये कुछ मिसमैच नहीं लग रहा है? क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? इज दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट? इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट? यस और नो? यस और नो? दिखने में ये डायमेंशनली इनकरेक्ट लगती है, पर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है। यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, पर आप भूल गए कि यू एन माइनस वन कराता तो एक वन था जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था और यहाँ पे भी था। इस वन की यूनिट थी सेकेंड। अरे यार, जो फॉर्मूले में लिखा नहीं जाता पर वो जिसकी यूनिट होती है सेकेंड। अरे यार, हाँ ना बोल। याद कर, यहाँ पे भी टू एन माइनस वन के साथ एक वन है जिसकी यूनिट क्या है? सेकेंड। इसकी भी क्या है? ये मीटर पर सेकंड, सेकंड ने सेकंड को मार दिया, ये भी मीटर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड ने सेकंड को मार दिया, फिर मीटर। ये डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखती है पर होती नहीं है। मुझे लगा तुम्हें आया? आया। आया नहीं आया? आया। एक और बात, एन क्या है? ये इंटीजर है कि नॉन इंटीजर भी चलेगा? एन इज व्हाट? अगर ये इंटीजर ना हो तो मैं आपसे बोलूं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल स्टार्टेड विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेटेड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन टाइम गैप बिटवीन 5.3 टू 6.3? क्या यू कैन पुट 6.3 ओवर हेयर? यस और नो? इसका मतलब एन इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है, जो जनरली मिसकंसेप्शन है। अरे भाई साहब, हर किताब में लिखा होता है एन इंटीजर। क्यों इंटीजर? कौन सा इंटीजर? बल्कि मैं तो एन ही नहीं लिखाना चाहता, मैं लिखाना चाहता हूं टी, एस टी, एस टी टू टी माइनस वन। यार हाँ ना बोल। एन पढ़ते इंटीजर की फील आती है। अरे क्यों इंटीजर? कहां इंटीजर की बात करी हमने भाई? अरे यार, मैंने कहां इंटीजर की बात करी है तो बताओ मुझे। मैंने कहा इंटीजर की बात ही नहीं करी। एन इंटीजर हो ये जरूरी नहीं। हाँ, एन वन सेकंड से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे हाँ ना बोल। यस सर। बाकी तो सपोज अगर मेरे को बोला जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 3.3 टू 4.3 सेकंड, कैट्स अ गैप ऑफ 1 सेकंड, क्या वी कैन पुट 4.3 ओवर हियर? यस सर। यार हाँ ना बोल। यस सर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? आया। आया कि नहीं आया? आया। कंफ्यूज होने की जरूरत है? तीन इंपॉर्टेंट बातें मैंने क्या सिखाई? एस एन एस क्या देता है? ये डायमेंशन इनकरेक्ट दिखती है पर होती नहीं है। और एन इंटीजर हो ये कोई जरूरी नहीं है। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टी माइनस वन टू टी सेकेंड। यस और नो? नहीं आया? आया। तो ये फॉर्मूले के साथ ये तीनों पॉइंट याद होने, फॉर्मूला उतारो, तीनों पॉइंट अच्छे से लिखो। उतार लिया क्या? अब ध्यान सुनो, तो इसमें सवाल कराने का कोई खास लॉजिक, हालांकि मैं आपको एक अच्छा सवाल बताता हूँ, चलो, जो इससे ना आसान हो जाता है, करना आपको आता है, है वो मोशन ऑफ ग्रेविटी का, पर तुम समझ सकते हो। सुनो, ऐसे सवाल आता है कि एक पार्टिकल को छोड़ा, ड्रॉप, बोलो क्लियर? ऐसा बोला जाता है एक पार्टिकल ड्रॉप करा और ये बोला जाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड इज सपोज 20 मीटर। सवाल ऐसे आता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल
इन लास्ट सेकेंड पार्टिकल इन लास्ट सेकेंड इस सपोज कुछ भी ले सकते हो तुम 20 मीटर लेंथ है फाइंड हाइट ऑफ द टावर. अरे यार मैं सवाल बता दूं सुन लो एक मिनट कोई खास बात नहीं है सवाल नॉर्मल प्रोसीजर में बच्चा क्या करता है सुने अच्छे से. नॉर्मल प्रोसीजर में बच्चा ये कहता है कि भाई ये टाइम अगर टी है तो ये टाइम टी माइनस वन है क्या ये टोटल दूरी एच है तो क्या ये एच माइनस 20 है फिर वो दो इक्वेशन. अरे यार फिर वो कितनी इक्वेशन लगाता है दो कितनी लगाता है. जबकि आप ध्यान देखो तो लास्ट सेकंड का 20 मीटर का मतलब क्या है SNS है. अरे क्या है क्या है. अरे नहीं आया तो 20 इक्वल्स टू U इनिशियल अवतार कितनी जीरो कितनी हाफ ऑफ एक्सलेशन क्या 10 क्या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10. अरे नहीं आया पक्की बात इंटू 2t-1 क्या निकल आया टाइम एक ही लाइन में क्या निकल आया. और एक बार टाइम निकल आया तो हाइट क्या होती है क्या टाइम होता है अंडर रूट 2h/g. नहीं पढ़ाया तो नहीं सुना है तो सुन लो मैं भी बताऊंगा टेंशन मत लो. पर क्या टाइम होता है अंडर रूट 2h/g. क्या होता है अंडर रूट. इसके लिए अंडर रूट 2h/g रख दो आंसर आ गया. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. सो SNS कई बार जब भी लास्ट सेकंड की बात हो एक सेकंड की बात हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हमारे मन में SNS का विचार आना चाहिए. तो सवाल कई बार आप छोटा कर दोगे. ऐसा नहीं कि पहले नहीं कर सकते थे कर तो सकते ही थे पर सवाल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. डरने की जरूरत उतार लो. चलो भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट का ये स्पेशल केस. हालांकि कोई नहीं खास बात नहीं है. मोशन डर अरे नहीं आया मोशन डर ग्रेविटी में हम जी को क्या लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. धरती माता हमें हमेशा हमको एक्सेलरेशन देती रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हम क्लास में जनरली इसकी वैल्यू क्या लेंगे 10 ले लेंगे. अगर कुछ नहीं गिवन हो सवाल में वैसे जेई जेई मेन सब में गिवन होगा तो जो गिवन है वो ही मानना है. पर नहीं गिवन हो तो 9.8 लेना है. नहीं गिवन हो तो वरना जो गिवन हो वो लेना है. बोलो क्लियर है. पर क्लास में जब भी हम सवाल करेंगे तो जी की वैल्यू क्या ले लेंगे. अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. अरे सोच लो आ जाओ भाई. एक सिंपल सा सवाल सब लोग सही कर देना गलत मत करना. कुबाज मान लो एक पार्टिकल को फेंका गया 5000 मीटर पर सेकंड से ऊपर बताओ कितना ऊपर तक जाएगा जल्दी बता दो एच मैक्स. अरे ठीक है ना कितने से ही फेंक लो उसमें क्या पड़ रहा है यार. किलोमीटर लिख लो साले. कितने ऊपर तक पार्टिकल जाएगा क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगती है ऊपर. क्या ये भी मुझे समझाना पड़ेगा कहां लगती है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से किसकी वजह से जल्दी से आंसर बताओ फटाक से. क्या जब अपन टॉपर्स पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो रफ्तार जीरो हो जाएगी कोई बुराई वाली बात. जीरो स्क्वायर माइनस 5000 का होल स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर बराबर 2 माइनस 10 यानी कि माइनस जी इंटू एच मैक्स. पहले था क्या मैं सही बोल रहा हूँ. एच मैक्स की वैल्यू आई यू स्क्वायर बाई 2g. कितनी आई यू स्क्वायर बाई 2g. यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी 5000 का होल स्क्वायर बाई 2 × 10. बहुत बड़ा सा आंसर आ रहा है 2 × 10 क्या 5 × 10⁵ 2. बोल यस और नो. अरे मैंने गलत लिखा क्या सॉरी 25 12.5 × 10⁻² किलोमीटर यानी कि 1250 किलोमीटर. नहीं आया बोला आया कि नहीं आया. अरे सोच लो कोई दिक्कत. ये सवाल गलत है. सवाल गलत नहीं है सॉल्यूशन गलत है. ये सवाल ग्रेविटेशन में आएगा. अगर इतना बड़ा डेटा आ जाए ना तो ग्रेविटेशन में आएगा. इसलिए मैंने समझाने के लिए बताया यहां सवाल इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूं. ऐसे नहीं होगा ये सवाल जैसे आपने कर दिया. ये एनर्जी से होगा. मुझे बोलने तो आता है अच्छी बात है सुन लो पर ताकि तुम्हें अंतर पता पड़ जाए. ये सवाल ऐसे नहीं होगा. इसका सॉल्यूशन में कहां पे. अबे 1250 किलोमीटर तक जी कांस्टेंट थोड़ी रहता है. कभी ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा जी बाई 1 + h / re का होल स्क्वायर.
और एक और फॉर्मुला जी वन माइनस टू एच बाई आर ई, उसमें भी एक्यूरेट जी वन प्लस एच बाई बाई वन प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर है, उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा, बस अभी इतना समझो जो तुम्हें पता है कि असलियत में जो अर्थ होती है, असलियत में जो उसका रेडियस जो होता है वो 6400 किलोमीटर के बराबर होता है, जो भी पार्टिकल होता है वास्तविकता में, मान लो हाइट h है तो उसमें जो ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लग रहा होता है वो g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ पार्टिकल बाई r e प्लस h का होल स्क्वायर लगता है, बोल यस और नो? नहीं आया। और जब हम इसे मास से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या ये हमारा g इफेक्टिव होता है? क्या होता है? जी इफेक्टिव होता है। और जब h लेस 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 देन r e होता है, अरे यार फिर तो क्या तुमने GM1 M2 by R स्क्वायर फॉर्मूला सुना है? Yes, sir. ये अपना अर्थ का सेंटर है, ये अपना पार्टिकल है, इन दोनों के बीच की दूरी R E प्लस H है। Yes, sir. क्या H दूरी मैंने सरफेस से ली है? Yes, sir. तो क्या दोनों के बीच का फोर्स GMEM दोनों के बीच का फोर्स जो है वो क्या GMEM by R E प्लस H का होल स्क्वायर है? Yes, sir. तो एक्सेलरेशन जो इस पार्टिकल को महसूस हो रहा है वो क्या बाई एम? Yes, तो क्या यही मेरा जी इफेक्टिव है? Yes, अरे नहीं आया। बट आर ई क्या 6400 किलोमीटर है? Yes, क्या है? 6400. अगर 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में एच बहुत छोटा है, एच बहुत है। मान लो कि एच की वैल्यू ऐसा समझो कि अगर एच इज लाइंग बिटवीन 0 to ऐसा समझो 1 किलोमीटर, क्या 1 किलोमीटर इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 6400? तो क्या इस एच को उड़ा सकते हैं? Yes, अगर ऐसा है तो क्या जी इफेक्टिव इज अप्रोक्सीमेटली जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, दिस इज अप्रोक्सीमेटली मोशन अंडर ग्रेविटी का जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आप पढ़ते हो हम नॉर्मल लाइफ में जो करते हैं उसमें बॉल ऊपर फेंकते हैं तो 1000 किलोमीटर तक नहीं जाती। Yes, क्या वो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही खेल रहे होते हैं? Yes, बल्कि आप ये यूज 3-4 किलोमीटर तक भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। उसके बाद क्या जी वेरी करने लगता है? Yes, कोई आपसे पूछे क्या मोशन अंडर ग्रेविटी में वास्तविकता में जी कॉन्स्टेंट है? नहीं। क्या वो एक सर्टेन हाइट तक हमने कॉन्स्टेंट मान लिया है? Yes, हमारी कैलकुलेशन को आसान, तो जब मोशन अंडर ग्रेविटी अभी पढ़ रहे हो आसान वाला खेल है, रियल वाला खेल कहाँ आएगा? अरे हाँ ना बोल यार, पर समझना आज जरूरी है। पहले था जो मैं बोला चमका, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो 1 किलोमीटर से कम है। अगर कभी भी बात इसके आगे चली जाए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मान लो, इससे ज्यादा जाने की जरूरत 2000 मीटर के ऊपर बात चली जाए तो अपने को ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में सोचना। तो क्या इसमें एच मैक्स की वैल्यू चली गई 1250 किलोमीटर? कभी पढ़ा हो तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड तो एस्केप वेलोसिटी होती है, उसके आधे के आसपास है। अरे हाँ ना बोल, तो 1250 किलोमीटर पे जी कांस्टेंट, इसका सॉल्यूशन आएगा पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन से जो आप बाद में करोगे ग्रेविटेशन में। नहीं आया? ऐसे बेवकूफ बनाते ना बच्चा, ऐसे बेवकूफ बनता है, पहला ऑप्शन यही होता है, देखते टिक लगाता वाह साले ये सवाल है। इसलिए सीखना आवश्यक है कि जो अभी हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 2 किलोमीटर तक है। कहां तक है? 2 किलोमीटर। इसके ऊपर क्या जो मैं बोला चमका? राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। यार मुझसे डर लगता है साहब, बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे हर तरह से प्यार उमड़ रहा हो इनकी तरह, और जो प्यार उमड़ रहा है ना भाई साहब उनका जेंडर इक्वलिटी पता नहीं है। आप कैसे महसूस करते हैं? तुम साले एक तो मेरे को भटका दे दो यार। तो क्या जो मैं बोला चमका? Yes, बिल्कुल लल्लू लल्लू सी बातें बता दो ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। एग्जाम्पल क्या बताओ? मान लो भाई साहब पार्टिकल ऊपर फेंके, पार्टिकल को यू रफ्तार से कितने से ऊपर जाके क्या नीचे आएगा? Yes, अब अपन मान रहे कि सब कुछ छोटा है, अपन मान रहे कि जी कॉन्स्टेंट, वो तो बताने वाली बात थी, कभी अगर कहीं ऐसा फिगर आ जाए तो ध्यान रखना, बाकी आप कहीं नहीं। तो अपन यू रफ्तार से फेंके क्या इसके एच मैक्स निकाल सकते हैं? Yes, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं? एच मैक्स हमने अभी अभी निकाला कि एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g। रात को 2 बजे भी याद होना टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, अपन वापस वहीं पे आ गए तो क्या वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो क्या जी रो बराबर यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अच्छा मुझे एक चीज सब लोग बताओ कि जब हम पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तब जी प्लस होगा कि माइनस, और नीचे आ रहा होगा तब भी माइनस ही होगा? गधे होगा डायरेक्शन
कार को रफ्तार दो एक्सेलरेशन इधर, जब ये कार घूम के आएगी तो क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा? एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही है. एक बार जो डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं उसे चेंज. सर ऐसे फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा सर, तो सर फिर वेलोसिटी कैसे बढ़ी? भाई साहब एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी बढ़ना या घटने से कोई लेना. एक्सेलरेशन नेगेटिव इज अ साइन. एक्सेलरेशन नेगेटिव डजंट मीन डीएक्सेलरेटेड या एक्सेलरेटेड. ध्यान से सुने, छोटी सी बात तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लगा बता लेनी चाहिए. एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है? एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है, मतलब क्या स्पीड बढ़ रही है? स्पीड एक्सेलरेटेड मोशन वाला स्पीड, स्पीड बढ़ रही है मींस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन. हैव अगर दोनों नेगेटिव है मोशन है, और अगर पार्टिकल डीएक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है? डीएक्सेलरेट, तो क्या मतलब स्पीड घट रही है? और अगर स्पीड घट रही है मतलब ए एंड बी आर इन, बोलो क्लियर है? हम मोशन डा ग्रेविटी में जी को हमेशा नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हम ऊपर वाली डायरेक्शन को हमेशा क्या लेंगे? एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन मोशन डा ग्रेविटी में ले लो, वो ये है कि अज्यूम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन. अज्यूम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज बहुत बेसिक बात, एंड अब कंसिडर ऊपर वाली डायरेक्शन एज पॉजिटिव. तो हमारे लिए एक्सेलरेशन क्या हमेशा माइनस जी रहेगा? एक्सेलरेशन हमेशा नहीं आया, आया कि नहीं आया? जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो रफ्तार बढ़ रही है, क्योंकि v भी नेगेटिव है और क्या g भी नेगेटिव है? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. आया नहीं आया? बेसिक सी बातें पर आनी चाहिए, कुछ छोड़ नहीं रहा. इधर से इधर जब हम गए तो यहाँ पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. तो हमने सोचा ऐसा कब हुआ? हमने लिखा जीरो ut इनिशियल रफ्तार माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर. t इज इट एग्जैक्ट, t की वैल्यू एक आई, जीरो जाहिर सी बात है तब होगा जब अपन स्टार्ट हुए. और एक और वैल्यू टीम की आएगी 2u by g. क्या आएगी? क्या दिस इज द टाइम ऑफ लाइट? दिस इज द u square by 2g s max, time of flight is 2u by g. तो क्या यहाँ का टाइम हुआ u by g? अरे क्या हुआ? कोई खास बात? पार्टिकल्स वैसे फेंका जाएगा, टाइम पीरियड पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, क्या सवाल कर सकते हो? एक पार्टिकल इज थ्रोन विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड अगेन. ओरली बोल, ओरली बोल, ओरली बोल. अरे पक्की बात? इतने लल्लू सवाल करने का कोई मतलब? पार्टिकल इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट. 5. 5. कितना? 5. कितना? 5. कोई दिक्कत? बहुत बेसिक. तो इतने लल्लू सवाल आ सकते हैं, थोड़े से ठीक ठाक अपन करते हैं. ये उतारो फिर आगे बढ़ते हैं, ये उतारो फिर, ये भी उतार लो, ये भी उतार लो. कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आओ जी बाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडी गार्ड. हे भगवान, तुमको मेरी तो अभी उम्र ही क्या है. जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, सभ्यता आई थी जहां पहले. रेशम का रुमाल गले पे डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे, मैं दिल्ली का सूरमा लगा के, अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे. ओ रेशम का, मैं खेत में खड़ी खाली थी ककड़ी, यू की लाल पकड़ी, यू न बाँ पकड़ी, मैं ना क्या दिखाई, ना मुछियाँ घुमाई, मैंने मारी लकड़ी. फिर कहे हो यो? फिर काय होयो? दूर हट जा रे, हट जा रे छोरा, दूर हट जा रे, हट जा, दूंगी मैं थने. हो गया क्या? गुड. तो मेरा मतलब गाना तो नहीं सुनने लग जाते हो? मैं तो अपना खेल रहा होता हूँ. चलो आ जाओ, लेट्स कम टू द पॉइंट. क्या ये बिल्कुल सिंपल है? एक सिंपल मतलब ठीक ठाक सा सवाल लिखो, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक. अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड बी नॉट,
A particle is projected with speed v naught. V naught. Find out the speed at half of the maximum height. Find out the speed at half of the maximum height. Find out the speed at half of the maximum height. Find out the speed at half of the maximum height. सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, तुम लोग कर सकते हो. करेक्ट, वी नॉट बाय रूट टू इज करेक्ट. सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं. चलो ये देख, ये पार्टिकल को ऐसे फेंका वी नॉट से. इधर देख, मैक्सिमम हाइट होगी कितनी? वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी, तो आधी कितनी होगी? वी नॉट स्क्वायर बाई फोर जी. यहाँ पे रफ्तार बतानी है, कोई कष्ट वाली बात? क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू माइनस जी इंटू एच, एच की वैल्यू वी नॉट स्क्वायर बाई फोर जी. अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. ध्यान से देखो तो वी की वैल्यू कितनी आई? वी नॉट बाई रूट टू. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया? अरे भाई साहब, नहीं हुआ ना तुमसे? हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात? चलो ऐसे टाइम पास. इसका एक और वर्जन मैं पूछ सकता हूँ, क्या बता देता हूँ. अ पार्टिकल इज थ्रोन सच दैट इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट एच. यार हाँ ना बोल. अ पार्टिकल इज थ्रोन सच दैट इट रीचेस द हाइट. फाइंड आउट द स्पीड एट हाइट हाफ ऑफ द हाइट. क्या सवाल कर सकते हैं? अरे क्या सवाल कर सकते हैं? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. तो कई छोटे छोटे सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं. और छोटी छोटी बातें इसमें समझे. एक मिनट, क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूं? No, sir. क्या समझ आ रहा है? Yes, sir. Good. और मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपके पार्टिकल को ऐसे यू रफ्तार से फेंका गया, वो ऊपर गया, फिर वो नीचे आया. मैं कोई भी जनरल हाइट एच पे बात करूं, तो इस जनरल हाइट एच को मैंने एक बार क्रॉस करा, दो बार? दो बार. मतलब क्या इस हाइट के करस्पॉन्डिंग टाइम एक आएगा? दो. बहुत ध्यान से देखो तो अपन लिखेंगे एच बराबर यूटी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. बोलो क्लियर? इक्वेशन को ध्यान से देखें तो जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी प्लस टू एच इक्वल टू जीरो. क्या दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी को बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर लो तो आपको दिखाई देगा क्या होता है. माइनस बी, माइनस बी कितना हुआ? टू यू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर फोर यू स्क्वायर माइनस टू ए. क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए की वैल्यू जी एट जी एच बाई टू ए. हाँ टू जी नहीं आया. दिस इज द फॉर्मूला. एक प्लस आएगा और एक. ध्यान से देख, दोनों पॉजिटिव आएंगे. सोच के देख, टू गायब कर लेते हैं यहां से, फोर हटा के, तो देख कितना बचा. यू प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एच अपॉन जी. देख दोनों प्लस आएंगे क्योंकि ये वैल्यू यू स्क्वायर माइनस समथिंग का रूट है, तो ये यू से छोटी होगी. अरे तुम्हें नहीं आया? कंफ्यूज मत हो, इस सवाल में हमेशा दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे. देख अरे यार, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. टाइम नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा टाइम नेगेटिव? क्यों नहीं आएगा? देख यू प्लस माइनस, भाई प्लस वाला तो ज्यादा है, प्लस वाला तो ज्यादा है, माइनस वाला भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर में से कुछ घटाओ, फिर उसका रूट लो, तो यू से तो छोटा ही आएगा. तो यू में से घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा. बोल यस और नो. तो असलियत में दो टाइम होंगे टी वन, एक टाइम होगा यू यू माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एच अपॉन टू, और दूसरा होगा यू प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एच बाई टू. बहुत लॉजिकली ये बात समझ आती है कि एक टाइम टी वन तब है जो पार्टिकल ऊपर जाते वक्त है, और एक टाइम पूरा क्या टी टू है.
अरे नहीं आया, आया। जो ऊपर से घूमकर हम नीचे आ रहे हैं तब है, बोल यस और नो। अगर आप बहुत लॉजिकली सोचो तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ लगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ लगा, तो क्या लॉजिकली T1 प्लस T2 टाइम पीरियड के बराबर आना चाहिए? T1 प्लस T2 टाइम पीरियड के बराबर करके देख, T1 प्लस T2 के टाइम पीरियड के बराबर आ रहा है। देख T1 प्लस T2 के टाइम पीरियड के बराबर आ रहा है। ध्यान से देख, जो लोग जोड़ेगा तो प्लस माइनस वाली टर्म घट जाएगी, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट बच जाएगी 2u/g। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे वो तो यहाँ पे समेशन ऑफ रूट से भी पता पड़ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या माइनस बी बाई ए। अरे नहीं आया, विच मेक सेंस, बोल यस और नो। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इन सब इस तरह के सवालों में बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। कैसे, मैं आपको एक सवाल लेटेस्ट बना के बताता हूँ, ऐसे ही, कोई खास बात नहीं। ठीक है, कहाँ पे कहाँ पे? क्या जी? टू की जगह जी, सॉरी। ठीक है, आप सुन, जैसे मान लो, ऐसा समझो कि तू नीचे खड़ा है बिल्डिंग के और खिड़की में सुंदर कन्या है, तूने फूल फेंका, क्या सुंदर कन्या को फूल पकड़ लेना चाहिए? मान लो उसे मिस कर दिया, क्या दोबारा उसे चांस मिलेगा? क्या नीचे आते वक्त यार हाँ ना बोल, नहीं आया, बोलो। तो ऐसे सवाल आता है कि अब थ्रोनी अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, इट क्रॉसेस अ विंडो इन अ टाइम गैप ऑफ सपोज 3 सेकंड, इन अ टाइम गैप ऑफ, बोलो क्लियर है? फाइंड आउट द हाइट ऑफ द विंडो। सपोज आई हैव थ्रोन द बॉल विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, कितना? एंड द टाइम गैप टू क्रॉस द विंडो इज सपोज 2 सेकंड, कितना? फाइंड आउट द हाइट ऑफ द विंडो। 2 सेकंड, सवाल समझ आया क्या? नहीं आया, आया कि नहीं आया? पक्की बात? तो करते देखा अगर समझ आया तो। पहले उतार ले सब, ये सब उतार ले, फिर सवाल लिखाया था, टेंशन मत लो। पहले सब उतार ले, फिर सवाल लिखाया था। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी मानसिक स्थिति में संदेह है? नो डाउट, बिल्कुल, हमें कोई इसमें मिसकंसेप्शन नहीं है, खराब हो चुकी है आपकी और अब सही होने का कोई चांस? तुम्हारी संगति में रहूंगा तो थोड़ा सुधर सकता हूं ना? सवाल लिखो। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम गैप टू क्रॉस अ विंडो इज 2 सेकेंड, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द विंडो। इज 2 सेकेंड, टाइम गैप इज 2 सेकंड। हाँ, कोई बहुत टफ नहीं है, कई तरीके से कर सकते हो, इसी भी कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल वे से कर लो, कोई जैसे तुम्हें ठीक लगे। जाने जिगर जाने मन, हाँ
कितना 75 भाई साहब, इतना टफ सवाल नहीं है, यूज योर ब्रेन। मान लो विंडो लाइन है, यही अटैच है, कितनी है पार्टिकल, कितने से फेंका गया 20 से, बोलो क्लियर। ऐसे गया और यहाँ से यहाँ तक ऐसे आया, क्या यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 सेकंड है? तो यहाँ पे रफ्तार मान लो यू डैश, क्या मान लो, तो ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गई, 2u' / g इज बेसिकली 2 सेकंड, तो g के u डैश के लिए कितनी आई, n। सवाल खत्म। 20 से फेंका u डैश 10, 10² - 20² = 2 - 10 × h, आंसर। कुछ भी कर लो, जो मेरे को अच्छा लगा छोटा लगा मैंने बता दिया, वहां से भी तो कर सकते हो। क्या रूट ऑफ समेशन है या t2 - t1 है वो? ये जो 2 सेकंड दिया ये है क्या? पर जिससे तुम करोगे उससे छोटा बताया है मैंने। अरे यार, जो तुमने बस क्योंकि मैंने वो पढ़ाया उसी पे सोच रहे हो, ये क्या बात हो? जो मैंने बताया उससे छोटा है कि नहीं, उससे भी कर सकते हो, गलती कुछ नहीं है। क्या t2 - t1 है? 2 सेकंड कौन सा गैप है? t2 - t1, और तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, अगर आपको ऐसे कंफ्यूज होना है तो, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, t2 - t1 का होल स्क्वायर इस t2 + t1 का होल स्क्वायर -4t1t2, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से t1 + t2 की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट और t1t2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अरे कभी तो हाँ ना बोल। अरे t1 - t2 का होल स्क्वायर 2 सेकंड दे रखा है ना, और t1 + t2 के टाइम ऑफ फ्लाइट है। अरे नहीं आया, और क्या t1 t2 की वैल्यू c/a लिख सकते हैं इस इक्वेशन से? अरे हाँ ना बोल, डायरेक्ट एच निकला है, और उत्ते की जरूरत ही नहीं, अपन तो वैसे ही निकाल लिया। अरे भाई काल प्रखेल, ऐसे सवालों की कोई कमी नहीं है। मैं किताब लिख सकता हूं इस पे और तुम भी लिख सकते हो, ये तुम भी जानते हो और तुम नहीं जानते। इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए सवाल आते ले एक आध और समझ ले, अच्छा मर भाई साहब, तुम्हारे घरों में नल लगा नया नया, पर पानी तो आया ही नहीं। नल देख के इतने खुश हो जाते हैं ना तुम लोग। नल भाई साहब, तुम्हारे घर की टोंटी खराब है, टोंटी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? टोंटी, राजस्थानी भाषा में से टोंटी कहते हैं। क्या कह रहा है? अभी खराब हो जाती है, टपकती रहती है, क्या होती रहती है? टपकती रहती है, टपक टपक टपक, 1 सेकंड गैप, कितना गैप? 1 सेकंड गैप है हर टपकने में, बोलो क्लियर। बताओ जब पांचवी टपकेगी तो दूसरी और तीसरी के बीच की दूरी क्या होगी? सवाल समझना, टूटी से बूंदे टपक रही हैं, एक एक सेकंड के गैप पे टपक रही हैं, बताओ जब पांचवी टपकेगी, कौन टपकेगी, तो दूसरी और तीसरी के बीच की दूरी क्या होगी? सवाल लिख लो, जब पांचवी टपकेगी, टपकेगी मतलब मर नहीं गई वो, जब पांचवी टपकेगी, हाँ हाँ, t1 और t2 कैसे आएगा? तो रख ले वहां पे, यहाँ रख लेना, यहाँ तो क्या, नहीं अगर इससे भी t2 और t1 आ गए इंडिपेंडेंटली तो क्या करूँ फिर उसके बाद कैसे करेंगे? अरे t1 t2 आ गए तो यहाँ से अगर टाइम पता पड़ गया, स्पीच रफ्तार पता है, h नहीं निकाल सकता, h = ut + r / t²। अच्छा ये सवाल तुम्हें बहुत टफ लगा, कई लोगों को तो समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या, पर वो इसलिए खुश है, चलो इसको तो आता है, पैसे बर्बाद तो नहीं हुए अपने, आदमी तो ठीक चुना है, भूसा मार देना अपने कुंड में गिरोगे भैंसों के साथ। सवाल है जब पांचवी टपकेगी
जब पांचवी टपकेगी तो दूसरी और तीसरी के बीच में क्या, जिससे इच्छा हो निकाल लो यार, तुम्हारी जो इच्छा हो निकालो, मुझे क्या दिक्कत है। पहले आप सभी लोग ये बताएं कि जब पांचवी टपकेगी तो समय क्या हो रहा होगा। चार भाई क्या कर रहे हो तुम, पागल हो क्या यार? पहली कब टपकी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। हाँ, जब पांचवी टपकी तो समय हो रहा था 4 सेकेंड, तो पहली वाली बूंद कितने सेकेंड चल चुकी थी? 4 सेकेंड। और दूसरी वाली 3 सेकेंड, और तीसरी वाली यहीं पे रुक जाते हैं। क्या हमें दूसरी और तीसरी के बीच का गैप चाहिए? Yes, sir. जब पार्टिकल जी से गिरता है तो क्या इनिशियल रफ्तार 0 होती है? Yes, sir. तो क्या नीचे का डिस्टेंस हाफ जी टी स्क्वायर होता है? Yes, sir. कितना होता है? तो यहां से यहां तक की दूरी हाफ 10 × 3 स्क्वायर, और यहां से यहां तक की दूरी हाफ 10 × 2 स्क्वायर। तो ये दोनों के बीच का गैप हाफ 10 × 9 − 4, अरे हाँ ना बोल, yes, sir. मतलब 5 × 5 25, कितना? 25 इज द करेक्ट आंसर। बूंदे टपकी नहीं टपकी सर, हम टपक लिए सर। जगलर सुनाए क्या? जगलर जगलर सुनाए? जगलर जगलर जगलर, वो तुम कभी अगर मेले में कभी हो देवा, अरे नहीं सुना, करतब देखने गए हो कभी, गांव में कोई आया हो वो बॉल नचाता है ऐसे, अबे कभी सर्कस देखने तो गए होंगे, कैसे ना खुद ही को कांच में देख के खुश हो जाते हो, हैप्पी सर्कस। सर्कस देखा है कि नहीं देखा? टीवी है कि नहीं तुम्हारे? टीवी नहीं है सर? है, दहेज में आई थी सर, बस लाइट ही नहीं है सर। मैं नहीं पढ़ा रहा तुम्हें। जगलर क्या चीज? अगेन जगलर, फिर मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, मैं आपको पहले कई बार ये बात रिपीट कर चुका हूं कि आईआईटी में सवाल रिपीट नहीं होंगे पर कंसेप्ट रिपीट होगा। कंसेप्ट सीख जाओगे तो कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मुझसे अगर आपको फिजिक्स अच्छे से सीखनी है तो ये सीखो कि सर सवाल कैसे बना रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ भी रट के, बस मुझे पता है मुझे बच्चों क्या क्या सिखाना, एक्सपीरियंस से मुझे कई सारे सवाल याद हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, पर सवाल रिपीट नहीं होगा आईआईटी में, जेई मेन में भी रिपीट नहीं हो रहा, पर क्या रिपीट होगा? तो यू शुड बी स्ट्रांग इन टू कॉन्सेप्ट, आपकी लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे। बार बार कह रहा हूं ये राजस्थान बोर्ड एमपी बोर्ड नहीं है कि जो किताब में लिखा है वही सवाल एग्जैक्ट आएगा, ये राजस्थान बोर्ड में होता है, जो सवाल किताब में लिखा होता है वही, सीबीएसई में कुछ हद तक ऐसा होता है, पूरा होता नहीं है, राजस्थान बोर्ड वगैरह में एग्जैक्ट, पर ऐसे मत सोचो कि वो आसान होता है, उनकी चेकिंग टफ होती है सीबीएसई बोर्ड की कंपैरिजन में। खैर, तो मैं जगलर वाले सवाल बता रहा था, कौन से है ना, अब ऐसा खुद समझो कि मान लो जगलर वाले सवाल आप करो, ऐसे बॉल वो ऐसे नचाता रहता है, वो 2 बॉल भी नचाता है, 5 भी नचाता है, कई सारे नचा लेते हैं जिनकी प्रैक्टिस होती है, है ना, खाली फिजिक्स आने से नहीं आएगी, बट फिजिक्स अगर आ जाए तो शायद आप प्रैक्टिस करने में आपको आसानी हो। वो करता क्या है, ऐसे लेता है बॉल इधर हाथ में लेता है, इसको इधर लेता है, फिर नहीं आया, ऐसे थोड़ी करता, दोनों से लेता रहता, कैसे करता है? अरे यार, जब एक बॉल वो फेंकता है तो दूसरी उसके हाथ में आ जाती है, फिर इधर लेता है, फिर अरे यार हाँ ना बोल, तो देयर इज अ गैप, देयर इज अ, जब वो बॉल कैच करता है फिर इधर देता है और फिर वापस फेंकता है, अरे नहीं आया, ऐसा समझो, मान लो ये गैप 1 सेकंड है, कितना है, ध्यान समझना सवाल, सवाल ही पूछ रहा हूं, क्या पिक्चर क्लियर है? टाइम टेकन बाय द जगलर टू टेक द बॉल Shift it to the other hand and again throw. This gap is 1 second. Yes, this gap is 1 second. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया। आया नहीं आया। आया। अगर मैं आपको बोलूं कि इस जगलर को जिसकी ये काबिलियत है
बोलो क्लियर है? ये छह बॉल नचाता है, कितनी? तो बताओ उन बॉल्स की मैक्सिमम हाइट क्या है? मेरा सवाल समझ नहीं आया। अगर जगलर को एक हाथ में बॉल पकड़कर दूसरे हाथ में देकर वापस फेंकने में एक सेकंड लगता है, कितना? एक सेकंड। और वो लगातार छह बॉल नचा रहा है, कितनी? तो हर बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या है? बस छह बॉल नचा रहा है वो। एक बार देखते हैं, अभी मुझे आंसर याद नहीं है। तो सामने सवाल बनाया है। हाँ भाई, चलो बस इतना ही दिया है, वेलोसिटी की जरूरत नहीं है। चले पहली बॉल फेंकी, टच समय कितना? जीरो। पहली बॉल फेंकी, समय कितना? दूसरी फेंकी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जब छठी फेंकी तो पहली हाथ में आ गई, तभी नचा पाएगा। अरे यार, तो जब छठी फेंकी तो समय क्या हो रहा था? तो पहली की टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुई? पांच। अरे यार, नहीं आई। पहली टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुई? पांच। तो पांच बराबर टू यू बाई जी, तो यू पच्चीस, यू तो एच में एक्सिस पच्चीस का होल स्क्वायर बाई बीस, 625 बटे 20। अरे यार, हाँ ना बोल। 31.25 इज करेक्ट। तुम्हें दूर दूर तक समाज, अरे तुम्हें दूर दूर तक समाज, क्योंकि ये सब अपनी भाषा में लिखना है तुम्हें, मैंने तो ओरली बता दिया। खूब सवाल बन सकते हैं। अरे यार, एक मिनट, हवा में तो पांच, हवा में छह बोल नाच रही है, छह बोल हवा में, कि वो लास्ट वाली जाएगी तब तो उसके हाथ में पहली आ चुकी तो आई ना, तो पहली आई, तो पहली वाली कितना, जब छठी फेंकी तो कौन हाथ में आई? पहली। तो जब छठी फेंकी समय क्या था? पांच। तो पहली को फेंके हुए कितना समय हो चुका? अब वो हाथ में आ गई तो टाइम ऑफ फ्लाइट पांच हुई ना, फिर वो इधर लेके फिर फेंक देगा, अब चलता रहेगा प्रोसेस। अरे नहीं आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आई पांच, कितनी आई? फिर से समझाता हूँ, बराबर टू यू बाई जी, 50 बटे 2 25। क्या u की वैल्यू आई 25? क्या मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर बाई 25 का होल स्क्वायर बटे 20, 625 बटे 20, 62.5 बटे 2, 31.25। अरे यार, ओरल सवाल है, तुम्हें दूर दूर तक समय। अब मैं सवाल चेंज कर सकता हूं कि टाइम बिटवीन टू बॉल्स जो जगलर ले रहा है वो 0.5 सेकंड है, कितना है? 0.5 सेकंड। और वो चार बॉल नचाता है, कितनी? चार बॉल। H max फिर से सुन सवाल, चार बॉल नचाता है, बॉल को लेके ऊपर फेंकने में 0.5 सेकंड लगता है, कितना? तो बताओ हाँ, हो सकता है, मुझे नहीं पता। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? अगर गैप 0.5 है, चार बॉल नचा रहा है, कितना? कितना?
करेक्ट टाइम फॉर फ्लाइट इज 1.5 पहली फेंकी 0 पे दूसरी फेंकी 0.5 पे तीसरी फेंकी 1 पे चौथी फेंकी 1.5 पे तब पहली हाथ में आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट इज 1.5 टू यू बाई जी 10/15/2 7.5 कितना 7.5 का होल स्क्वायर बटे 20 अरे हाँ ना बोल 7.5 का होल स्क्वायर कितना हुआ हाँ जो भी आएगा बजाय 7.5 का होल स्क्वायर बटे 2g अबे यार तुम कभी तो कुछ बुरा करो यार तुम्हें समझ नहीं आता क्या अब क्या जगलर पे अनंत सवाल बनाए जा सकते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आना क्या घुसा कुछ कुछ पक्की बात आज का लेक्चर बहुत टफ नहीं था पर ये हमारे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज तो मैंने सब टच करे हैं सबके एक एक इलस्ट्रेशन लिए हैं अगले टाइम भी इसी तरह की कहानी करेंगे पर आज हम आपको काम दे सकते हैं दीजिए शीट क्या आप यूनिट डायमेंशन मैटर की शीट कंप्लीट है yes, sir. पक्की बात yes.